नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ा और घातक बम किसने बनाया और सबसे खतरनाक पॉइजन कौन सा है? तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये सब इस वीडियो एपिसोड में। पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि एक हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 10 अक्टूबर को। आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लेके जीत सकते हो शॉमी और ला टीवी की तरफ से एक एक फोन। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आते हैं मुद्दे पर, सबसे खतरनाक बम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रशिया ने एक बम बनाया था, नाम था टसार बॉम्बा, और फिलहाल इसकी जो क्षमता थी वो थी 50 मेगाटन, मतलब कि दोस्तों 5 करोड़ टन ऑफ टीएनटी को जलाया जाए तो उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी इस बम की एनर्जी। फिलहाल उन्होंने इसको टेस्ट किया था 30 अक्टूबर 1961 को एट मिथ्युशिका न्यूक्लियर टेस्ट रेंज, जो कि रशिया में है। दोस्तों, इस बम को 4.2 किलोमीटर ऊपर फोड़ा गया और फिलहाल जो इसकी यील्ड बताई जाती है 88 से लेकर 96 किलोमीटर यूएस ने यहाँ पर आंकी थी, और फिलहाल 1992 में रशिया ने खुद बताया था इसकी जो यील्ड थी वो थी 80 किलोमीटर। तो फिलहाल इस बम ने करीबन 80 किलोमीटर तक का जो एरिया था उसको सफाचट कर दिया। हालांकि इसकी जो शॉक वेव थी वो एयर में 700 किलोमीटर तक ट्रेवल की, इवन 900 किलोमीटर तक विंडो स्पैन जो थे वो ब्रोक हो चुके थे, और सेक्समिक स्केल में दोस्तों इसकी जो शॉक वेव थी उसकी जो तीव्रता मेजर की गई वो थी 5 से लेकर 5.25। और फिलहाल ये जो शॉक वेव थी इसने धरती के 3 लंबे चक्कर काटे। तो फिलहाल टसार बॉम्बा इस समय तक का मानव का बनाया हुआ सबसे खतरनाक और घातक बम है। और फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि टसार बॉम्बा की जो एग्जिट कैपेसिटी थी वो थी 100 मेगाटन, और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ पायलट को बचाने के लिए, जो कि इस बम को फेंक के जा रहा था, मतलब उसको एस्केप करना था, उसकी जान बचाने के लिए उसकी जो कैपेसिटी थी उसको कम कर दिया गया था। तो अगर ये बम अपनी पूरी क्षमता पर फटता तो फिलहाल यहाँ पर पायलट तो बच नहीं पाता, और इवन दोस्तों इसकी जो क्षमता का जो आंकलन था दोस्तों वो और भी खतरनाक होता। तो फिलहाल सबसे खतरनाक बम जो मानव ने बनाया वो है टसारा बॉम्बा। बम के बारे में तो आपको पता चल गया, आइए अब जहर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे खतरनाक जो जहर यहाँ पर बताया जाता है वो है बोटालिन टॉक्सिन। ये एक एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू बनाया जाता है, और इसके बारे में बताया जाता है कि 1 नैनोग्राम एक हेल्दी आदमी को, जो कि 70 किलो का है, उसको खत्म करने के लिए सक्षम है। फिलहाल इसकी बहुत सारी टाइप होती है, और इसमें टाइप एक सबसे खतरनाक है, ये आपकी जो मसल्स है उसको पैरालाइज कर देता है। तो फिलहाल क्या ये बोटुलिनम टॉक्सिन सबसे खतरनाक जहर है? नहीं दोस्तों, इससे भी खतरनाक है पोलोनियम पॉइजन। तो पोलोनियम पॉइजन क्या है दोस्तों? एक तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और फिलहाल अगर इस जहर की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम पोलोनियम करीबन 1 करोड़ जनसंख्या को मारने के लिए सक्षम है। तो फिलहाल देखा जाए तो पोलोनियम इस बोटुलिनम टॉक्सिन से तो काफी खतरनाक लग रहा है। दोस्तों, क्या पोलोनियम सबसे खतरनाक जहर है? नहीं दोस्तों। तो फिलहाल सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? आइए दोस्तों गूगल पर एक लोकेशन को सर्च करते हैं सर्न ओबले। तो फिलहाल देख सकते कि 26 अप्रैल 1986 को सर्न ओबले डिजास्टर हुआ था। हुआ क्या था इसमें दोस्तों? इसमें सर्न ओबले पर जो एक न्यूक्लियर प्लांट था उसमें विस्फोट हो गया। जब न्यूक्लियर रॉड गर्म थी उसको ठंडा करने के लिए, मतलब स्टीम को जनरेट करने के लिए, उसको पानी में डाला गया, और फिलहाल उसी समय एक सर्ग आ गई और जिससे एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट से जो रेडिएशन था वो एटमॉस्फेयर में फैलने लग गया। उसी के कुछ सेकंड के बाद एक दूसरा ब्लास्ट हुआ जिसने दोस्तों जो रिएक्टर की बिल्डिंग थी उसको पूरा का पूरा उड़ा दिया, और फिलहाल एक एलिफेंट फुट बना। एलिफेंट फुट दोस्तों इनकी जो रिएक्टर के बिल्कुल नीचे जो एक बेसमेंट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये बना हुआ दोस्तों मेल्टेड न्यूक्लियर वेस्ट, कंक्रीट और जो बिल्डिंग के मटेरियल थे उससे मिलजुल के, और इसका जो रेडिएशन लेवल है दोस्तों वो है 10,000 रोटेजन पर आवर। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी सिर्फ 10 रोटेजन पर आवर सफिशियंट है आपको मारने के लिए। ये जो एलिफेंट फुटा डिस्कवर हुआ था 6 महीने बाद, मतलब कि ब्लास्ट के 6 महीने बाद, और करीबन बताया जा रहा है कि 7 मिलियन लोग इस ब्लास्ट से, इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से यहाँ पर इफेक्टेड हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि करीबन 4,000 लोग इस ब्लास्ट से मरे हैं। दोस्तों, ये तो हो गया ऑफिशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर जो प्रिडिक्ट किया जाता है, लोकल न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस रास्ता में मरे हैं। और फिलहाल देखा जाए एलिफेंट फुटा के बारे में, तो फिलहाल ये अब तक का मानव का बनाया हुआ सबसे खतरनाक पॉइजन है। इवन दोस्तों ये आप ही को नहीं, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था पोलोनियम 210 और बोटुलिनम टॉक्सिन, दोस्तों ये तो सिर्फ आपको मारेगा, बट ये जो एलिफेंट फुटा है ये आपको नहीं, आपके आगे आने वाली पीढ़ी को भी मारेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि
ना ही यहाँ पर बोटुलिनम टॉक्सिन उतना खतरनाक है, ना ही दोस्तों यहाँ पर आपका पोलोनियम उतना खतरनाक है जितना कि दोस्तों एक न्यूक्लियर वेस्ट खतरनाक होता है। उसमें से दोस्तों जो रेडिएशन आती है वो आप ही को नहीं, आपके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके आगे आने वाला जो भविष्य है, उन सभी को खत्म करता है। और फिलहाल यहाँ पर जो मैन मेड सबसे खतरनाक टॉक्सिन है वो है आपका एलिफेंट फुट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा और सबसे घातक बम किसने बनाया और वो बम कौन सा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया कि सबसे खतरनाक पॉइजन या टॉक्सिन कौन सा है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।